हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट फोरम। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रोजनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन के बारे में ज़रा बात करेंगे हम लोग कि हमने ये जो रोजनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन है ये क्यों पढ़ा था। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि हमने इसे पढ़ा था तो ये एक सिंगल न्यूरॉन मॉडल होता है। बेसिकली इसकी एक लिमिटेशन होती है कि ये लीनियर सेपरेशन के लिए ही काम करता है। मतलब ऐसे डेटा पैटर्न्स जो कि हम अलग अलग कर सकें इस तरीके से कि वो अलग अलग हैं और उनको से एक सिंगल लाइन खींचें और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएं, लेट इट बी क्लास C1, लेट इट बी क्लास C2, तो हमारा काम हो गया। इसको समझाने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक एंड फंक्शन है, तो एंड फंक्शन है तो उसकी अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाऊँ तो 0 0 पे मुझे 0 मिलेगा, 0 1 पे 0, 1 0 पे भी 0 और 1 1 पे 1। तो आइए मैं इसे प्लॉट कर लेता हूँ। तो 0 0 मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1 0 यहाँ पे आएगा और 1 1 यहाँ पे आएगा और 0 1 मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक। अब लॉजिक क्या है कि देखिए बाकी तीन के तो जो आउटपुट्स हैं वो 0 0 0, यानी कि ये तीन तो एक ही क्लास में आ गए, इसका जो आउटपुट है वो 1 है। तो क्या मैं कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन पास कर सकता हूँ जो कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सके? तो मैंने देखा भाई हाँ, एक लाइन है जिसको अगर मैं पास करूं तो वो मेरे डेटा पॉइंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब ये डेटा पॉइंट एक अलग हो गया और ये डेटा पॉइंट्स आपके अलग हो गए। तो रोजनब्लैट परसेप्ट्रॉन जो था वो एंड फंक्शन के लिए तो बहुत आराम से काम कर रहा था, सिमिलरली वो और जो है उसके लिए बहुत आराम से काम कर रहा था, क्योंकि और के लिए भी रूल यही था कि 0 0 के लिए तो 0 मिल रहा था और बाकी जो 1 बाकी सब के लिए वो 1 दे रहा था, यानी कि तो उसकी जब मुझे स्ट्रेट लाइन पास करनी हुई तो मैंने यहाँ से पास करी। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मेरे पास ये डेटा सेट है और एक डेटा सेट ये है, तो अगर मैं यहाँ से कोई एक स्ट्रेट लाइन पास कर देता हूँ जो डेटा को जो है वो दो पार्ट में भाग तो कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कुछ आउटलायर्स आ जाते हैं, जैसे एक आउटलायर यहाँ पर है इसके लिए, इसके लिए आउटलायर ये है, आउटलायर मतलब कि मिस क्लासिफिकेशंस। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं आपके, ये आपके एक तरीके से आउटलायर्स हैं, लेकिन ठीक है अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो मोर देन 90% क्लासिफिकेशन सही हो रहा है बाई पासिंग द सिंगल लीनियर लाइन। तो लीनियरली ये कहलाते हैं सेपरेबल। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी रोजनब्लैट्स, जो आपका ये रोजनब्लैट परसेप्ट्रॉन है इससे ये दोनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो रही थी। कौन कौन सी? एक आपकी ये एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी और आपकी एक ये और प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन जब हम जाते हैं ज़ोर प्रॉब्लम में दोस्तों, तो क्या होता है देखते हैं। जब हम ज़ोर प्रॉब्लम में जाते हैं और हम सब ज़ोर प्रॉब्लम की ट्रुथ टेबल बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो मुझे मिलता है 0 1 1 और 0, ठीक। अब मैं इसको अगर प्लॉट करता हूँ, अगर तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। 0 0 ये हो गया आपका, 1 0 ये हो गया आपका, तो 0 1 ये हो गया आपका और 1 1 आपका ये हो गया। अब 0 0 का मैं आउटपुट, जो 0 आउटपुट है उनको मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूँ एक बार को। 0 0 का आउटपुट जो है वो 0 है, तो मैं इसको मार्क देता हूँ ब्लैक से, और एक 1 1 का आउटपुट जो है वो 0 है। इन दोनों का आउटपुट जो है वो 0 है, ठीक, और इन दोनों का आउटपुट मेरे क्या है? 1 है। तो क्या आप कोई स्ट्रेट लाइन मैं ऐसे पास कर सकता हूँ जो मेरे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर, कैसे भी देख लें, कैसे भी करके देखें,
कहीं से भी एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही है ना, हम पास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दिस शोज क्या दिखाता है, ये दिस शोज लिमिटेशन ऑफ रोजनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को दो लाइनें यूज़ करनी पड़ेंगी, एक लाइन मेरी ये आएगी और एक लाइन मेरी ये आएगी। आई हैव टू यूज टू लाइन्स टू अचीव दिस सेपरेशन इन विच आई कैन क्लासीफाई यूजिंग टू लाइन्स। आई यूज द कॉन्सेप्ट नोन एज मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। इसको अचीव करने के लिए मैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल बनाऊंगा। ठीक है, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल दोस्तों वो मॉडल होता है जिसमें कि मोर देन वन लेयर होती है। ठीक है, एक होती है आपकी हिडन लेयर और एक होती है आपकी आउटपुट लेयर और एक होती है आपकी इनपुट लेयर। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो। कह रहे हैं कि व्हाइल स्टडिंग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन वी यूज टू फेजेस। ठीक है, दो तरीके के फेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, एक कहलाता है आपका फॉरवर्ड फेज, एक कहलाता है आपका बैकवर्ड फेज। ठीक है, सबसे पहले जो है वो